हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको मैगी और अंडे से बने एक बहुत ही लाजवाब से नाश्ते की रेसिपी देने जा रही हूँ। ये नाश्ता बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। बहुत ही कम चीज़ों से झटपट से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैगी का एक छोटा वाला पैकेट ले लिया है, जिसे मैगी छोटू भी कहते हैं। तो एक बर्तन में मैंने ले लिया है एक कप पानी। सबसे पहले इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए, पानी में उबाल आ चुका है, उसमें डाल देंगे सबसे पहले मैगी का मसाला जो मैगी के साथ में आता है, और साथ में ही डाल देंगे मैगी का नूडल और इसे पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। तो देख सकते हैं आप, 2 से 3 मिनट के अंदर मैगी अच्छे से पक चुकी है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे। जब तक मैगी ठंडी हो रही है, हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो एक बाउल में सबसे पहले मैं 2 अंडे तोड़ कर डाल दूंगी। तो बाउल में मैंने 2 अंडे तोड़ लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ही ऐड कर देंगे चाट मसाला। बहुत ही टैंगी सा चटपटा सा फ्लेवर आता है इससे। साथ ही में चुटकी भर ऐड कर देंगे गरम मसाला। तो चुटकी भर ही गरम मसाला ऐड करें, बहुत ज़्यादा ऐड करने से फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक और मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी चीज़ों को। तो अंडे के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया है मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैगी जो हमने पहले तैयार करके रखी हुई थी, जो अब ठंडी हो चुकी है। मैगी को इसमें डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला है। तो हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा थिक बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। और मैदा ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर चाहिए, क्योंकि हम इसके बनाएंगे पकौड़े, और पकौड़ों के लिए बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए होता है। तो थोड़ा सा गाढ़ा इसे करने के लिए हमने इसमें मैदा ऐड किया है। तो मैदे को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ऊपर से और चुटकी भर नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया था, जिसकी वजह से पहले जो नमक ऐड किया हुआ था थोड़ा सा ये बैटर फीका हो गया था उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैंने चुटकी भर नमक और ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं बैटर अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इसके पकौड़े आसानी से बना सकते हैं। तो पकौड़ों के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल को मैंने मीडियम हॉट कर लिया है, बहुत ज़्यादा हीट ना रखें तेल की। अब हम इसके पकौड़े तल लेते हैं। तो 1-1 चम्मच भर के बैटर तेल में मैं छोड़ती जाऊंगी। तो मैंने इसमें एक बार में 4 से 5 पकौड़े डाले हैं। अब हम 1 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे। तो धीरे से इसे पलट लेंगे, क्योंकि इसमें अंडे हैं तो बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सभी पकौड़ों को मैंने पलट लिया है। तो इसी तरह से इन्हें बार बार उलट पलट करते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर इनका कलर बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन सा आ जाएगा, बहुत ही कुरकुरे से हो जाएंगे। तब हम इन्हें निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पे रखते जाएंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें का अब्सॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितने लाजवाब, कितने कुरकुरे, कितने ज़्यादा टेस्टी पकौड़े तैयार हुए हैं। तो बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
सो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी और अंडे से बना ये नाश्ता बनकर हो चुका है तैयार, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये मैगी और अंडे का नाश्ता है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट। तो बारिश का हो मौसम और इतने टेस्टी क्रिस्पी से पकौड़े हों तो क्या कहने, आप इसका मज़ा टमाटो केचप के साथ ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस इस टेस्टी क्रिस्पी और आसान नाश्ते की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।